कैसे आप लोग अच्छे होंगे। आप सब सीटेट और यूपीटेट परीक्षा के बाद आप सभी तक लोग पूरी तरह से सुपरटेट अर्थात प्राथमिक भर्ती लिखित परीक्षा जो इस बार उमार सीट पर होनी है अर्थात वस्तुनिष्ठ होनी है उस सभी की तैयारी में पूरी तरह से लग गए होंगे। दोस्तों सबके मन में जहन में कई सारे सवाल उठते होंगे, क्या पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए, कितना पढ़ा जाए, कहाँ कहाँ से पढ़ा जाए। तो लोग लगातार कमेंट करके पूछते हैं, कॉल करके पूछते हैं, सर सबसे बेहतर किताबें कौन सी है। तो मैं लगातार बेहतर किताबों के बारे में मैंने कई अध्ययन किया, लेकिन जिस तरह कोई इंसान अपने आप में पूर्ण नहीं हो सकता उसी प्रकार कोई किताब भी अपने आप में पूर्ण नहीं सकती। इसी आधार पर मैंने भी देखा, मैंने भी कई बार सोचा, मैं जिस तरह मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, आपके अंदर भी हो सकती हैं, कुछ में ज़्यादा कुछ में कम हो सकता है, मुझ में ज़्यादा हो आप में कम हो, ये कमियां तो सभी व्यक्ति में विद्यमान रहती हैं, कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं हो सकता। उसी तरह सारी किताबें हैं। तो अगर आप लोग को अगर पढ़ना है तो ढेर सारी किताबों का अध्ययन करना होगा, उन सभी किताबों से अलग अलग चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, कौन सी किताब बेस्ट है, किस किताब का कौन सा अध्याय बेस्ट है, ये सब या कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ये सब जो मैटर होता है ये हमारे अनुभव पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। तो इसी सिलसिले में हमने नोट्स भी बनाए थे, शायद कुछ लोगों ने मेरे नोट्स लिए भी, और यूपीटेट में बहुत सारे लोगों ने नोट्स लिए भी थे, और मेरे और जिस हिसाब से उन लोगों ने बताया कि लोग क्वालिफाई हुए, और मुझे इस बात का गर्व भी है और अच्छा भी लगता है। यदि मेरे बनाए हुए नोट्स अगर क्वेश्चन आते हैं, हूबहू क्वेश्चन आते हैं, तो ये मेरे लिए गर्व की बात है, क्योंकि जैसे आप भी इस परीक्षा के रेस में सम्मिलित है उसी तरह मैं भी सम्मिलित हूँ। बस फर्क इतना है, आप पढ़ पा रहे हैं, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, आपके सेवा में हमेशा लगा रहता हूँ। तो मेरी ऑनलाइन क्लासेज भी चल रही थी, लोग मेरे नोट्स भी परचेज कर रहे थे। ऑनलाइन क्लासेज में एक दो दिन डिस्टर्बेंस रहा, कारण क्या था, यूपीसीटेट के एग्जाम की वजह से उन्हें वीडियोज लगातार नहीं मिल पा रही थी। नोट्स के लिए भी कुछ लोगों ने नोट्स भी लिए और उन्हें में समय लग रहा था। तो मैं अब बताऊं कि अब आपको मेरे नोट्स तो नहीं मिल सकते, कारण क्या है कि अब समय कम है, अब आपको नोट्स नहीं मिल पाएंगे। फिर भी बहुत सारे लोग लगातार फोन करके कह रहे सर मुझे आपके नोट्स चाहिए। तो मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि अगर अब उन्हें नोट्स चाहिए तो आपको मेरी संस्था पे आके ले जाना पड़ेगा। ऐसे क्या है कि अगर आप आएंगे या किसी को भेजेंगे तो एक दिन का समय जाएगा तो आपको नोट्स मिल जाएगा, अगर पोस्ट किया जाए तो समय नहीं लगता, कब पहुंचेगा कब नहीं पहुंचेगा, तो आप कंप्लेन करेंगे, बार बार कहेंगे सर मेरा नोट्स अभी 3 दिन हो गया नहीं आया, 4 दिन नहीं आया, तो ये सारी समस्याएं आपको झेलनी पड़ जाएंगी। इसलिए यदि आप नज़दीक हैं तो आइए और नोट्स ले जा सकते हैं। और दूसरी बात, जो नोट्स ले लिए हैं, मैं उन सभी साथियों को ये बताना चाहूंगा जिन्होंने नोट्स मेरा ले लिया, जिन तक मेरा नोट्स पहुंच गया है, तो जो नोट्स मैंने दिया था मैं उन्हें 2 टुकड़ों में दिया था, कुछ लोगों को एक बार में दिया था। फिर उसके बाद बहुत सारे लोगों ने ये बताया सर आपके नोट्स बड़े कुछ कोचिंग वाले भी ले जा रहे हैं जो अब वहाँ साथ उसका मिसयूज कर ले। इसके उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैंने फिर नोट्स में कुछ संशोधन किए। तो मैं मुझे ये नहीं पता था कौन कौन मेरे नोट्स लिए हैं, इसलिए मुझे यूट्यूब पे आना पड़ा आपको बताने के लिए कि अगर आपने आप तक भी मेरा नोट्स पहुँचा है तो आप मुझे मेरे नोट्स की अगर आपने पेमेंट किया तो उसकी स्क्रीनशॉट हमारे टेलीग्राम पर भेज दीजिएगा, अथवा अगर आपने हॉर्ड कॉपी ले गई होगी यहाँ से तो अपनी पिक उसकी भेज दीजिएगा जिस लिफाफे में आप लेकर गए थे, ताकि जैसे आप ले गए थे ताकि मैं और नोट्स आपको उपलब्ध करा सकूं जो अब मैंने एकदम समेट के, जिसे कहते हैं कि परीक्षा के पहले जो मैराथन पढ़ाई होती है उस पढ़ाई के उद्देश्य से मैंने कुछ सब्जेक्ट के जो महत्वपूर्ण थे, जहां से प्रश्न आने की उम्मीद थी, उसे पूरी तरह से निचोड़ दिया। निचोड़ने में समसामयिक की विविध और कुछ और एक दो सब्जेक्ट हैं जिनको मैंने निचोड़ा है। उस निचोड़ने का वक्त ये था, कुछ लोग कहेंगे सर मुझे नोट्स के समय ही क्यों नहीं दिया गया, तो बस इसके लिए हम आपसे इसलिए क्षमा चाहते हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि जो लोग मुझसे जुड़े उन्हों को इसका लाभ मिले और लोग इसका लाभ ना उठा पाए, क्योंकि यह कंपटीशन का दौर होता है, आप जानते हैं भाई भाई का नहीं होता। तो ये लिखित परीक्षा है, इसमें हमारे मेरिट कट ऑफ पॉइंट में बनने हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं इस रेस के लिए आपको दिन रात एक कर देनी होगी, लेकिन उसके साथ साथ एक अच्छी रणनीति भी आपके साथ होनी चाहिए। उस रणनीति के लिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को फिर से पुनः कलेक्ट किया है, तो जिन्होंने मेरे नोट्स लिए हो उन तक मैं अपनी बात को पहुंचाना चाहता हूं कि अगर वो वीडियो मेरी देख रहे हैं या उन तक पहुंच गया है तो वो लोग मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देंगे, अगर स्क्रीनशॉट पुनः भेज देंगे, अथवा 6306344367 पर कॉल कर लेंगे। यहाँ से आपको नए नोट्स जो मेरे कुछ पेज के भी बन के तैयार हुए वो मैंने आपके लिए बनवाए प्रॉपर। मेरा बनवाने का उद्देश्य यही था कि पढ़ाई पढ़ने के लिए कहीं से पढ़े, कितनी किताबें पढ़ेंगे, लोग कहेंगे ना सर आप भी तो किताब से लाते हैं। अरे भैया मैं भी जो मैटर लाऊंगा किताब से खंगालूंगा ना, लेकिन
मैं अलग अलग किताबों से अलग अलग पेज से अलग अलग चीजें उठाता हूँ जो मुझे लगता है कि बेस्ट है, और वो मैटर बेस्ट है या नहीं इस बात का भरोसा तब होगा जो परीक्षा मुहा से प्रश्न है। यूपीटेट देख लीजिए, पिछले साल का सुपर टेट देख लीजिए, हमारे नोट से इतने क्वेश्चन आए हैं, इतने क्वेश्चन उसमें से हूबहू पूछे गए हैं कि इस बात को ये पता चल जाता है कि नहीं, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वास्तव में सही रहा। पढ़ाने के लिए सब पढ़ते हैं, सब पढ़ाते हैं, और आप जहाँ पढ़ रहे हैं मेरे हिसाब से मुझसे बेस्ट लोग पढ़ाने वाले होंगे, और आप मुझसे बेहतर तरीके से पढ़ते होंगे, मेरे से नोट्स अच्छे, आपके पास नोट्स होंगी, किताबें होंगी, लेकिन ये जज करना बहुत मुश्किल होता है कि कहाँ से क्या क्या चीजें पढ़े। हो सकता है कि नोट्स मेरे फ्लॉप भी हो सकते हैं, हो सकता है किसी का नोट और बेहतर हो सकता है, लेकिन ये तब पता चलेगा ना जब रेस में उतरेंगे, तब तो पता चलेगा नहीं कौन से रेस में उतरने के बाद किस व्यक्ति की क्या काबिलियत है, किसके नोट्स किससे बेहतर है। ऐसे तो सब कहते हैं मेरे नोट्स अच्छे हो सकते हैं, फिर भी मैं कह रहा हूँ पता नहीं अच्छे या नहीं है, वो आप जज कर सकते हैं, क्योंकि आप BTC BEd जैसे भी है UPTET पास किए हैं, मतलब आपके अंदर टीचर बनने के पूरे गुण विद्यमान हो चुके हैं। तो एक टीचर के मूल्यांकन बेहतर तरीके से कर सकता है, मैं जानता हूँ आप लोग जहाँ भी है बेहतर तरीके से। तो ये नोट्स मैं नहीं चाहता पूरी तरह से पब्लिक ही हो, क्योंकि पब्लिक ही होने का मतलब कि लोग इसका मिसयूज करेंगे, पता है जो कुछ मिसयूज हो जाएगी तो फिर उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। मैं एक दिन बताऊंगा कि जो कटाप का दायरा तय होता है, जो मेरिट बनती है वो कैसे बनती है, वो इसी वजह से बनती है। इसलिए मैं आप लोग से पुनः हाथ जोड़े कहना चाहूंगा, इस नोट्स पहले तो मैं UPTET में बहुत सारे नोट्स कहता था वायरल करिए, लेकिन इस बार ये कॉम्पिटिशन की दौर है, भाई भाई का नहीं होता, तो आप अपने हैं मेरे, आप उससे जुड़े हुए हैं, तो इसलिए मैं ये चाहूंगा कि आप तक ये लाभ पहुंचे और आप सफल हो जाए, ताकि आप भी गर्व से कहें मैं दुर्गेश सर के साथ जुड़ा और आज सहायक अध्यापक हूं। और मुझे ये विश्वास है कि यदि आप मेरे साथ जुड़ेंगे या जुड़े हुए हैं तो आप सफल जरूर होंगे। पता है बहुत ज्यादा पढ़ना, बहुत ज्यादा किताबें पढ़ना से कोई अगर सफल हो जाता तो पढ़ने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन समय कम रहने पर यदि रणनीति सही हो, आपके पास मैटर सही हो, अध्ययन सामग्री बेहतर हो, तो आपको सफलता से कौन रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। और सफलता और असफलता के बीच की जो खाई बनती है ना, वो मात्र 2 से 5 नंबर की बनती है। देख लीजिएगा इतिहास उठा के किसी परीक्षा का, वो 2 नंबर से लेके 5 नंबर की बनती है। कितना भी बेहतर पढ़ रहे हैं, जो कटाप का धारा बनता है ना, कभी देखिएगा 2 नंबर या 5 नंबर से ही ये धारा बनता है। टेट के रिजल्ट ही देख लीजिए, कटाप से कितने दूर है जिनका नहीं हुआ है, 2, 5, 7 बस 8 नंबर, उससे ज्यादा नहीं हुए हैं। और जो बेहतर तो क्वालिफाई हो गया, लेकिन यदि सिर्फ कट ऑफ होता, अगर कह दिया जाता इसमें 69,000 को ही छटना है, तो 4.5 लाख में 69,000 कब छटते, जो ऊपर के बेस्ट होते, जो ऊपर से जिनकी मेरिट हाई होती, तो बस यही कंडीशन यहाँ भी होती है। इसलिए अगर आप लोग को अभी भी नोट्स चाहिए, अगर आप नोट्स की इच्छुक है तो आप आके ले सकते हैं, क्योंकि स्पीड पोस्ट के लिए समय कम है, और इसलिए बहुत सारे लोग ऑर्डर कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, सर मुझे पोस्ट करा दी, कुरियर करा दी, तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, अब मैं नोट्स अपने यहाँ से आप तक नहीं भिजवा पाऊंगा। अब अगर आपको नोट चाहिए, आपको जौनपुर जनपद में TD कॉलेज गेट के पास, रोडवेज के पास आके, TD कॉलेज गेट के पास आके आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, या वेद कॉन्वेंट स्कूल अनुपम रेस्टोरेंट के बगल में आप आके नोट्स ले सकते हैं, बस 15-20 मिनट से मिलेगा। और यह नहीं है कि मुझे नोट्स के बारे में क्या पता है क्या नहीं पता है, आपको क्या पता है क्या नहीं पता है, कोई मेरे तरफ से कोई यूं नहीं है, बस फर्क इतना, अगर अंतिम बार जो प्रशिक्षु जो साथी नोट्स मेरा लिए हैं, जिन तक मेरा नोट्स पहुंचा है, वह मुझसे एक बार कांटेक्ट लास्ट टाइम जरूर कर ले, क्योंकि मैंने उनके लिए देखिए पुनः सारे मैटर मैंने पुनः बनवा दिए हैं, नोट्स मेरे आप लोग तक पहुंच ही गए होंगे, देखिए पुनः मैंने कुछ नोट्स बना दिए इंपॉर्टेंट बैठे की, मतलब जैसे ये मैराथन 4-6 पेज में आपका पूरा हो जाए, ये कुछ नोट्स हैं, ये बाद में मैंने बनाए, देखिए हिस्ट्री कुछ क्वेश्चन उस पेज मैंने बनाया पूरा, शायद दिख रहा होगा आपको, बाकी नोट्स तो मेरे आपने पहले देख ही लिए होंगे, देख रहे हैं। इसके बाद समसामयिकी का एक मैराथन मैंने बनाया, कुछ पेज में इसको मैंने सिमेट दिया, देख रहे हैं, बकायदे मैंने इसे प्रदेश को एक तरफ कर दिया, पुरस्कार को एक तरफ कर दिया, इस तरह से मैंने बनाने का प्रयास किया, ताकि हमें याद करने में समस्या ना हो, और याद करने में समस्या ना हो, और हमें कोई चीज कैसे आसानी से जल्दी से तैयार हो जाए, इस उद्देश्य से मैंने ये आपके लिए बनाया। और मैं आशा करता हूँ कि यहाँ से करण के सारे क्वेश्चन आपके अगर आ जाएंगे, अगर 80% भी आ जाते हैं, तो मेरी मेहनत रंग लाएगी, और मेरी मेहनत तब अच्छी है, अन्यथा नहीं आते तो
लेकिन मैं ये उम्मीद करता, मेरे विश्वास है, ये मेरा अनुभव कहता है कि जिस तरह से मैंने क्वेश्चन को उठाया है, जिस तरह मैंने कलेक्ट किया है, बाहर से आने की संभावना बहुत कम है या नगण्य मात्र की हो जाती है। तो इसलिए अगर आप, मैं आपसे नहीं कहूंगा आप नोट्स ले या ना ले, मैं उन साथियों को कहूंगा जिन्होंने मेरे नोट्स लिए हैं, जितने मेरे नोट्स पहुंचे हैं, क्योंकि मुझे ये नहीं पता है कि डिस्पैच करने वाला कोई और, कॉल रिसीव करने वाला कोई और, हम नहीं कर पा रहे, तो उन तक मेरी बात पहुंच जाए ताकि वह सतर्क रहे और मुझसे जुड़ जाए, ताकि मैं उनकी पूरी मदद कर सकूं, ताकि वो सहायक अध्यापक बन जाए और फिर हम उनके जनपद में उनके विद्यालय पर आए, फिर वो खुशी क्या होगी जिसकी मैं कल्पना, आप कल्पना नहीं कर सकते कि जब आप सहायक अध्यापक बन जाएंगे, पुनः मुझसे मिलेंगे, तो फिर वो खुशी ऐसी होगी जिसके ना हम सोच सकते हैं ना आप सोच सकते हैं, वो खुशी वह होगी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो बस मैं यही चाहता हूं कि आप लोग लगातार पढ़िए, अच्छी किताबों का संग्रह करिए, अगर आप तक नोट्स नहीं पहुंचा है फिर भी मैं एक से दो नोट्स आपको अपने टेलीग्राम चैनल को उपलब्ध करा दूंगा, क्यों, इसका उद्देश्य है ताकि आपको समस्या ना हो। बहुत सारे प्रशिक्षु ऐसे हैं जो मुझसे नहीं जुड़े हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गाली देते हैं, किसी तरह क्या क्या बोलते हैं भगवान जाने, भाई जिसकी जितनी मानसिकता होगी उतना वो कार्य करेगा। बहुत सारे लोग हैं वीडियो देखेंगे पहले उन्हें लाइक कर देंगे, कर दीजिए, आप YouTube ने आपको ऑफर दिया अनलाइक करने का, लेकिन ये सोचिए कि ये बंदा जितना मेहनत करता, गला फट गई आपको लग रहा होगा, आवाज फटी फटी जा रही है, फिर भी मैं आपके सामने आता हूँ, फिर भी मैं पढ़ाता हूँ, मैं छुट्टी नहीं लेता, आपके लिए दिन रात करता रहता हूँ, नोट्स तैयार करना, क्लासेस पढ़ाना, आपकी वीडियो पहुंचाना, आपको सूचनाएं पहुंचाना, हर एक पल पल की जानकारी देना, लेकिन फिर भी पता नहीं आपकी मानसिकता, मैं आपकी मानसिकता को सलाम करता हूँ, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान आपकी मानसिकता ऐसे बनाए रहे और अब आप इतना आगे जाए, बाद में आपको खुद अपने ऊपर शर्म आए कि आपने जो किया या जो करते थे वो गलत था, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं इस बार से जरूर प्रार्थना करूंगा आप काफी ऊंचाई तक जाए और आप अपने मंजिल में जरूर कामयाब हो, क्योंकि आप ऐसा नहीं करते, वो हमारी मानसिकता ऐसी होती है, ऐसी मानसिकता से हम बने होते हैं कि हमें ऐसा करने पर मजबूर हो जाते हैं। फिर आप टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, अगर मैं कुछ नोट्स आपको पहुंचाऊंगा, टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश सर, क्या सर्च करना आपको, दुर्गेश सर, बिना स्पेस दिए आप सर्च करेंगे दुर्गेश सर, सर्च करने के बाद आपको आएगा ई लर्निंग विद दुर्गेश, ई लर्निंग विद दुर्गेश, ज्वाइन कर लेंगे, जैसे आप ज्वाइन करेंगे आपको मेरा ग्रुप मिल जाएगा, और ऐसा ग्रुप है जहाँ सेफ है, कोई किसी का मैसेज देख नहीं सकता, समय बचेगा, एक जगह जाएंगे, सारे मटेरियल आपको मिल जाएगी। तो बस आप सभी लोग, आप सभी साथियों को मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। अब मैं आप लोग को ज्यादा वीडियोस भी नहीं दे पाता, क्योंकि पेट ग्रुप के लोग नाराज होते थे कि सर मैंने पेट किया है, फिर उन लोगों को आप वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं। हाँ, जो गरीब प्रशिक्षु है मैंने उनको तब भी कहा था, आज भी कर रहा हूँ, और काफी लोग जुड़े भी है। तो जो गरीब साथी थे, जो जिनके पास मुझ तक देने के लिए किसी कोई संस्थान तक देने के लिए कुछ नहीं थे, उनके लिए तब भी मैं था, अब भी मैं हूँ, हमेशा रहूंगा, क्योंकि इंसान इंसान की मदद करता है, अन्य कोई व्यक्ति किसी की मदद नहीं करता, स्वार्थी तो दुनिया, लेकिन हम भी उनके जैसे हो जाए तो हमें उनमें फर्क क्या रहेगा। बस अब आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, मन लगा के पढ़िए, और मैं जल्द ही आपको यष्टि देना प्रारंभ करूंगा, और मैं डेली, अभी एक दो दिन के बाद मैं डेली 150 प्रश्नों का एक सीरीज लाऊंगा, वह सीरीज में ऑनलाइन कुछ देर पहले प्रोवाइड करा दूंगा, उसके बाद मैं उसे शाम को सॉल्व करूंगा, ताकि आप अपने आप को ये आंक सके, ये अनुभव कर सके कि आप जो पढ़ रहे हैं क्या वो सही दिशा में है कि नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी दोबारा नहीं आनी है, इसलिए यह फैसला आपको स्वयं कर लेना है कि क्या पढ़े, कैसे पढ़े, कितना पढ़े, बाकी आप मुझसे बेहतर जानते हैं और मुझसे बेहतर कुछ मामलों में बेहतर होंगे भी और हमसे ज्यादा समझदार हो सकते हैं। इसलिए आप सभी लोग पूरे मनोयोग के साथ अपनी जिंदगी का बेस्ट देने के लिए लग जाइए और प्रयास करिए 8 से 10 घंटे पढ़ने के लिए। और पुनः मैं रिपीट करूंगा, जिन तक मेरी नोट्स पहुंची हो मुझसे संपर्क करें, इस नंबर पे कल के बाद से लगातार संपर्क में रहे, उनको कुछ पीडीएफ फाइल के तौर पे या उनको हार्ड कॉपी जैसे भी होगा, खासकर पीडीएफ में ही उन्हें प्रोवाइड कर दिया जाएगा, अब वो लग जाए। और पुनः परीक्षा के कुछ दिन पहले मैं कुछ गेस्ट पेपर जारी करूंगा, जो अनुभव के आधार पर होगा, जहां से उम्मीद करता हूं, जैसे पिछली बार मेरे गेस्ट पेपर से कम 48-49 क्वेश्चन यूपीटेट में पूछे गए थे, और सीटेट में क्वेश्चन एक दो कुछ ढेर सारे क्वेश्चन, खासकर अपर प्राइमरी में तो बहुत सारे क्वेश्चन आए, लोअर प्राइमरी में, वहां से भी संस्कृत में क्वेश्चन देखे, संस्कृत तो सरल भी थे, इंग्लिश पैटर्न में जो हमारे यहाँ से थे, जो मैंने गणित पढ़ाई थी सीटेट के लिए, प्रॉपर सीटेट के लिए और यूपीटेट के लिए, वो एक रामबाण की तरह काम किया यूपीटेट में और सीटेट में, तो कहीं ना कहीं
मेरी स्टडी जो रणनीति मेरी है, जो मेरी तैयारी आप सबके प्रति है, वो बेहतर तरीके से और एक बेहतर दिशा में चल रही है। तो बस आप लोग को, जिन साथियों ने ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किया है, उन सभी को मेरे ये नोट्स जल्दी मिल जाएंगे, और उनको अगर वीडियो में जो समस्या हो रही थी, कल संडे के दिन मैं सब मैनेज कर दूंगा, इसके बाद से उन्हें कोई समस्या नहीं होगी। और मैं 25 तारीख तक लगभग प्रयास करूंगा सारे सब्जेक्ट को खत्म कर दूंगा, संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज को मैं सबसे पहले जल्दी प्रयास करूंगा लैंग्वेज को खत्म करने के लिए। इसलिए आप सब लोग जुड़े रहिए, हम आपकी उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं, हम आपके साथ सदैव रहेंगे, आपके हर हाल में जब आप मुझे पुकारेंगे तब मैं आपके साथ रहूंगा, जब आपको मेरी जरूरत होगी तब मैं आपके साथ रहूंगा। बस, और इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, जिनको नोट्स चाहिए अगर तो आके ले सकते हैं, हो सकता है मेरा नोट्स उनके लिए मददगार हो सके, क्योंकि डूबते को तिनके का सहारा, हो सकता है आपको मेरे इस छोटे से मेहनत, छोटे से प्रयास का आपको प्रतिफल एक बड़ा सा सहायक अध्यापक के रूप में प्राप्त हो सके। इसलिए आप जुड़िए, आपका स्वागत है, किसी प्रकार की कोई समस्या होगी आप मुझसे जुड़ के डायरेक्ट बात कर सकते हैं, वार्ता कर सकते हैं, मैं सदैव आपके लिए तैयार हूं, लेकिन कुछ दिन तक उसके बाद मैं भी मोबाइल बंद कर दूंगा, मुझे भी पढ़ना है, वरना कल आप ही मुझे गाली दोगे, इनका खुद नहीं हुआ दूसरों क्या कराते हैं, लेकिन मैं जब तक हूं तब तक मैं आपके लिए लड़ता रहूंगा, साथ रहूंगा, सिलेक्शन दिलाऊंगा। तो फिर आप लगातार पढ़ते रहिए, और मैं उम्मीद करता हूं आप जरूर सफल होंगे। जय हिंद, जय भारत।